सिर्फ 2 सेकेंड में किसी दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज है पता करने का ट्रिक सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग एसएससी सीजीएल का कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जो 2017 और 16 में पूछा गया था। तो जैसे कि ये एक एग्जाम क्वेश्चन है 2017 का, इसको हम लोग सबसे पहले नेमिंग कर देते हैं। चलिए नेमिंग कर दिए। इसके बाद है सो कुछ बेसिक जान लेते हैं। जैसे कोई क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल में अगर दो डायगोनल एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है तो टोटल ट्रायंगल 8 होते हैं। अगर दो डायगोनल एक दूसरे को क्रॉस करने के अलावा एक बीच से लाइन गुजर रहा है तो टोटल ट्रायंगल होते हैं 12। इसी तरह दो डायगोनल एक दूसरे को क्रॉस करने के अलावा दो लाइन एक दूसरे से गुजर रहे हैं तो टोटल ट्रायंगल होते हैं 16। अब इसी चीज़ को हम लोग ट्रायंगल में देखते हैं कि अगर किसी एक वर्टेक्स से एक लाइन गुजर रहा है तो टोटल ट्रायंगल होते हैं 3, और किसी सेम वर्टेक्स से दो लाइन गुजर रहा है तो टोटल ट्रायंगल होते हैं 3 + 3 = 6। ये हमारे कुछ बेसिक हो गया। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये देखिए कि ये जो आपका बीच वाला है जो 5 6 7 8 दिख रहा है, ये जो है 5 6 7 8 जो है वे इस तरह का क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, जिसमें डायगोनल के अलावा दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। तो इसके टोटल जो होंगे 5 6 7 8 जो क्वाड्रिलेटरल के टोटल ट्रायंगल होंगे कितने, 16। इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अब हम लोग ये देखते हैं इसके अलावा, जैसे मान लीजिए कि 4 6 9 8 ये एक क्वाड्रिलेटरल है, 4 6 9 8, ठीक है, इसमें है सो डायगोनल एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, तो ऐसे में है सो कितने ट्रायंगल होंगे, ऐसे में 8 ट्रायंगल होंगे, ठीक है। इसी तरह सेम इधर भी एक डायगोनल क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, सेम इधर भी बनेगा, सेम इधर भी बनेगा, तो टोटल कितने होंगे, 8 × 4 इक्वल टू हो गए 32। तो टोटल हो गए 16 + 32 = 48। लेकिन देखिएगा कि एक एरिया दो बार लिया गया है, जैसे कि ये जो है 6 9 8 ये ट्रायंगल है सो दो बार लिया गया, ये है सो 5 6 7 8 क्वाड्रिलेटरल में भी था और 6 9 4 8 क्वाड्रिलेटरल में था, तो जो भी एरिया कॉमन आएगा उसको हम लोग माइनस कर देंगे। तो अगर हम लोग देखते हैं 6 9 8 सिंपल ट्रायंगल है तो इसमें कितना है, 3 ट्रायंगल होगा, क्योंकि एक बीच से एक वर्टेक्स से एक लाइन क्रॉस किया है, तो ये 3 ऐसे ऐसे सभी में टोटल 4 है, तो 3 = 4 = 12। तो ये जो भी कॉमन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, माइनस कर देते हैं, ये हम लोग माइनस कर देंगे, तो 48 में -12 जाएगा तो हो जाएगा 36। चलिए ये हम लोग देखते हैं, इसका भी हम लोग नेमिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 और ये हम लोग 7 एंड 8 नेमिंग कर दिए। इसमें हम लोग सबसे छोटे वाले में पहले देखते हैं 5 5 6 एंड 3 में, ठीक है, और ये 8 था हमारा, तो इसमें कितना ट्रायंगल है, 3 है, ओके। इसके अलावा ये जो दो एक्स्ट्रा ट्रायंगल है वे बन रहा है, ठीक है, तो ये टोटल हो गया छोटे वाले एरिया में 5 3 + 2 = 5। ये हम लोग ये जो है हमारा ये जो क्वाड्रिलेटरल है और ये क्वाड्रिलेटरल, ये 3 क्वाड्रिलेटरल को अभी हम लोग छोड़ रहे हैं, तो क्वाड्रिलेटरल छोड़ने के अलावा इसमें कितना ट्रायंगल हो गया, 5 हो गया। सेम 1 4 5 में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएंगे, तो 1 4 5 और इसका 5 दोनों हो जाएंगे 5 + 5 = 10, ओके। अब हम लोग क्वाड्रिलेटरल में देखते हैं कितना क्वाड्रिलेटरल है, 1 2 3, तो क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल में कितना ट्रायंगल हो जाएंगे, 3 क्वाड्रिलेटरल थे और एक में कितना होता है, 8, तो हो गया 24, तो हमारा अब हो गया है 34। उसके बाद हम लोग बड़े वाले ट्रायंगल में देखेंगे।
1 2 3 1 2 3 1 2 3 5, इसमें कितने हैं? 3, तो हो गया हमारा 34 प्लस 3 इक्वल टू 37, मतलब 3 आंसर। अब हम लोग देखते हैं इस आकृति में, 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 7, चलिए इसका हम लोग नेमिंग कर दिए हैं। अब अगर आप देखिएगा 2 3 और 2 3 6 5 क्वाड्रिलेटरल में कितने हैं, एक डायगोनल के अलावा एक लाइन पास हो रहा है, तो इसमें ट्रायंगल ये कितने हो जाएंगे, इसमें हो जाएंगे 12 ट्रायंगल हो गए, ठीक है। उसके अलावा 1 2 7 5 ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है, और 3 7 6 4 ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसमें कितना होंगे 8, इसमें कितने होंगे 8, ठीक है। तो हमारा लेकिन तो कैसा हो गया, 12 प्लस 8 प्लस 8, तो हो गया ये 8 दूनी 16 और 12 28। लेकिन देखिए अगर हम लोग ये वाले क्वाड्रिलेटरल में लिए थे, ठीक है, 2 3 5 6 में 12 आए थे, लेकिन अगर हम लोग 3 7 3 7 6 4 क्वाड्रिलेटरल में, तो ये एरिया हमारा क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, ठीक है ना। तो जो कॉमन एरिया उसको माइनस करते हैं, सेम एज इस क्वाड्रिलेटरल में 1 2 7 5 में देखिए ये वाला एरिया है सो क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो जो कॉमन एरिया उसको माइनस कर देंगे, तो कॉमन एरिया क्या है, ट्राइंगल बना रहा है, ये आपका कॉमन एरिया ऐसा था, ठीक है। तो ये कितना बनाता है, 3 बनाता है, तो 3 यहाँ भी बनाया और 3 यहाँ भी बनाया, तो टोटल कितना 6 6, हमारा इसमें माइनस हो जाएगा, जो कॉमन एरिया है ऑलवेज माइनस हो जाता है, तो 22 मतलब 3 ऑप्शन। अब देखिए इस फिगर को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसका नेमिंग कर देते हैं, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। इसमें देख रहे होंगे कि 5 क्वाड्रिलेटरल है, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा एंड पांचवा। तो क्वाड्रिलेटरल जो आपका है सिर्फ इसमें एक डायगोनल है, तो इसकी वजह से कितना ट्रायंगल हो रहा है, 2 हो रहा है। तो ऐसे 5 क्वाड्रिलेटरल है, तो टोटल ट्रायंगल हो जाएगा 5 × 2 = 10। अब देखिए इसके अलावा क्या है, जैसे मान लीजिए 1 5 8 को देखते हैं, ये एक ट्रायंगल बना रहा है, उसी तरह 8 5 एंड 12 को देखते हैं, ये एक ट्रायंगल बना रहा है, तो ऊपर की ओर ऐसा 2 ट्रायंगल हुआ, तो इसको जोड़ देते हैं, तो हो गया 12। इसी तरह सेम देखिए कि 3 8 एंड 5 एक ट्रायंगल बना रहा है, इसी तरह 8 5 एंड 10 एक ट्रायंगल बना रहा है, तो ये दोनों ट्रायंगल को भी हम लोग जोड़ देते हैं, तो टोटल हो गया 14। इसके अलावा देखिए कि ये बड़ा 1 8 एंड 10, ये जो आपका ये बड़ा फिगर दिख रहा होगा 1 8 एंड 10 का, ये एरिया जो है एक बड़ा ट्रायंगल बना रहा है, ओके। तो ये एक हो गया, सेम आज इधर 3 5 एंड 12 एक बड़ा ट्रायंगल बना रहा है, तो ये दोनों को जोड़ देते हैं, तो ये हो गया टोटल 16। तो इसका आंसर होगा 4 नंबर 16। अब इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, यह है 16 हमारा। चलिए इसमें देखते हैं, अब ये देखिए सामने ये सब है सो क्या है, ट्रायंगल है जो वन वर्टेक्स से जो क्रॉस करता है, कैसा ऐसा है, तो ये तो 3 है, तो कितना है, 1 यहाँ 2 यहाँ 3 और ये 4, तो ऐसा कितना ट्रायंगल है, 4, तो 4 × 3 = 12 ट्रायंगल्स तो ये होगा। दूसरा अंदर में क्वाड्रिलेटरल एक दिख रहा होगा, तो सिर्फ डायगोनल क्रॉस कर, तो डायगोनल क्रॉस करने की वजह से कितने हो गए, 8, तो प्लस 8 तो हो गया 20, तो मतलब 4 नंबर ऑप्शन। अब ये देखिए हम लोग ट्रायंगल देखे थे कि अगर एक होता है तो 3 होता है, ठीक है, लेकिन अगर अलग अलग वर्टेक्स से एक और हो जाएगा, मतलब ये तो सिंग एक हुआ तो 3 हुआ, और दूसरा वर्टेक्स से अगर चला जाएगा तो ये हो जाता है 8। इसी तरह अगर ये तीनों वर्टेक्स एक दूसरे को क्रॉस करता है तो हो जाता है 16, तो ये होगा आंसर नंबर 4।
चलिए इस फिगर को देखते हैं, नेमिंग कर देते हैं 1, 2, 3 एंड 4। इसके बाद सिर्फ ये सेम अपोजिट साइड में कॉपी है, तो इधर ही देखते हैं पहले। 1, 2, 3 एक ट्रायंगल है जिसमें एक वर्टेक्स क्या क्रॉस कर रहा है, कहने का मतलब है ऐसा है, 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो 1, 2, 3 एक है, दूसरा क्या है, इसको तोड़ लीजिए पूरा, 2, 3 एंड 4, जिसमें एक वर्टेक्स क्रॉस कर रहा है ये है, फिर एक बीच में ऐसा है, 2, 3 और इसका कुछ नाम दे दिए 5, ये 5 है। तो इस तरह कितना है, टोटल 3 है, तो एक में 3 होते हैं, ठीक है। तो 3 में कितने होंगे, 3 × 3 = 9। लेकिन ये एरिया जो है 2, 5, 3, अगर हम ट्रायंगल 1, 2, 3 ले या 2, 3, 4 ले, या दोनों में ये एरिया आएगा कौन सा, 2, 5, 3, तो इसमें 2 माइनस हो जाएगा, जो कॉमन एरिया ऑलवेज माइनस कर देते हैं, तो कितना होगा, 7 होगा। ओके, तो 7 इस साइड और 7 इस साइड, तो 7 × 2 = 14। मतलब ये आप देखिए, अगर इसको 2 पार्ट में बांटिएगा, इसको अगर 2 पार्ट में बांटिएगा, तो इधर जो बना रहा है एरिया, ये कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, तो सेम इधर वाला भी क्या आएगा, 7 आएगा, क्योंकि सेम है, 7 × 7 = 14। उसके बाद ये देखिए, एक बड़ा सा ट्रायंगल ये आपका बन रहा है, ठीक है, एक बड़ा सा ट्रायंगल ये बन रहा है, सेम एक बड़ा सा ट्रायंगल आपका ये बनेगा, ठीक है। तो 14 + 2 हो गया 16, और ये जो दो दो बाहर में, एक इधर बन रहा है, तो +2 हो जाएगा 18। ओके, चलिए इस ट्रायंगल में देखते हैं, इसको नेमिंग कर दीजिए 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो इसमें देखिए, टू ये जो हमारा है कितना, 2, 5 एंड 4, इसमें बन रहा है 3, ठीक है। और 1, 4, 5 अगर हम लोग ऐसे देखते हैं, ठीक है, 1, 4 एंड 2, ओके, तो ये भी बनाएगा क्या, ये भी बनाएगा 3, लेकिन ये वाला एरिया जो है 2, 5, 4, एक इसमें भी आ रहा है, एक इसमें भी आ रहा है, तो एक ये माइनस हो जाएगा जो कॉमन था, तो 3 + 3 6 होता है, और माइनस 3 + 3 हो गया 6, लेकिन -1 हो जाएगा, तो हो जाएगा टोटल 5। तो 5 आपका इस साइड बना, ओके, तो आपका 5 इधर भी बनेगा, कितना हो गया 10, 5 + 5 हो गया 10, और एक बड़ा वाला ले लीजिए 1, 2, 3, क्योंकि अगर बड़ा वाला को हम 3 लेते हैं, तो फिर इसमें भी कॉमन एरिया ये वाला आ जाएगा, एक कॉमन एरिया, एक कॉमन एरिया ये वाला आ जाएगा, तो सिर्फ हम लोग सिर्फ एक बड़ा वाला लिए, तो हो गया टोटल 11। चलिए इसमें देखते हैं, 2 क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, ये 2 क्वाड्रिलेटरल का पहले नेमिंग कर दिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, ओके। तो आप इसमें देख रहे होंगे कि 1, 3 एंड 4 ये जो एरिया है, 1, 3, 4, ये दोनों में कॉमन है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो एक क्वाड्रिलेटरल इसको अगर हम अलग कर देते हैं, ठीक है, एक तो हो गया हमारा 1, 2, 4 एंड 3, ये हो गया ऐसे, एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। दूसरा क्वाड्रिलेटरल कौन सा बन रहा है, यह है 1, 5, 3 एंड 4, ये 2 क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, तो ये भी हो जाएगा 8, ये भी हो जाएगा 8, ओके, नो प्रॉब्लम। और ये एक दोनों के मिलने से एक एक्स्ट्रा बन रहा है इस साइड, 1, 5, 1, 1, 2 एंड 5 एंड 2, 5 एंड 4, ये है, सो दोनों के मिलने से एक एक दोनों साइड एक्स्ट्रा बन रहा है, तो क्या होगा, 8 + 8, और ये जो एक्स्ट्रा 2 बना 2, तो 18 हो गया, और 18 तो हो गया टोटल। इसमें कॉमन एरिया कौन सा था, ये वाला था, इस
इसमें कॉमन एरिया कौन हो गया, वन। वन, फोर एंड थ्री, ये कॉमन एरिया हो गया। तो ये कितना ट्रायंगल बना रहा है, थ्री। ये थ्री इसमें माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 15। तो ये तो एक क्वाड्रेटर हो गया, 1 2 3 4। तो इसका हो गया हमारा 8। ओके, और एक ये इसका हो गया 3। ओके, तो 8 और 3 कितना हो गया, 11। ओके, इसके अलावा जो एक बन रहा है ये 3 6 एंड 5, एक ये बनेगा हमारा, और एक बन रहा है 2 3 एंड 5, ये दो इसमें ऐड होगा तो बन जाएगा 13। इसमें देखते हैं, इसमें देखिए ये जो एरिया है, एक ट्रायंगल बना रहा है, तो ये हो गया 3। इसी तरह सेम एज ये हो गया 3, ये हो गया 3 और ये हो गया 3। तो 3:4 इक्वल टू हो गया 12। ओके, उसके अलावा एक है सो क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ, ये बनाएगा 8। तो 3 और 8 हो गया, ये हो गया 8 और ये हो गया 12। 12 और 8 हो गया 20, नंबर वन। इसके अलावा कोई कॉमन है ही नहीं। इसमें देखिए ये बताए थे कि अगर किसी सेम वर्टेक्स से एक लाइन क्रॉस करे तो 3 बनता है, और 2 क्रॉस करेगा तो फिर +3 हो जाएगा। तो ये कितना हो रहा है, 6, और ये कितना हो रहा है, 3। लेकिन इसके अलावा ये दोनों फिगर में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 6 + 3 इक्वल टू हो रहा है 9। चलिए ये देखते हैं, ये तो क्वाड्रिलेटरल एक तो दिख ही रहा होगा, ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है, तो इसका है 8। ओके, इसके अलावा ये एक ट्रायंगल है जिसका होगा 3, और इसमें सेम वर्टेक्स से 2 है, तो ये कितना होगा, 3 + 3 इक्वल टू 6। तो अब देख रहे हैं हमारा कितना हो रहा है, 8 + 3 + 6, ये हो रहा है टोटल 17। लेकिन इसमें कॉमन एरिया कौन सा है, ये एक बार इसमें आया, ये क्वाड्रिलेटरल में, और ये एक बार ये क्वाड्रिलेटरल, तो ये दो माइनस कर देंगे, -2, तो हो गया 15। चलिए इसमें देखते हैं, इसमें देख रहे होंगे कि ये जो है एरिया, और एक ये एरिया, और एक ये एरिया, ये ट्रायंगल है, तो 3:3 हो गया टोटल 9। ओके, इसके अलावा इस फिगर में एक चीज और छिपा हुआ है, अगर आप फिगर को ध्यान से देखिए तो दो वर्टेक्स एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, और बीच वाला भी सेम ऐसा है, बीच वाला आपका ये हो गया, ठीक है। तो ये हो रहा है 8, जो आप मान सकते हो 1 2 3, तो 1 2 एंड 3 बनाता है 8, और ये 4 5 एंड 6, तो 4 5 6 भी कितना बनाएगा, 8 बनाएगा, क्योंकि हाँ, तो ये 8 और 8 कितना हो गया, 16। तो ये 9 तो पहले से था, और 16 हो गया कितना, 25। इसके अलावा 25 के अलावा आप देख सकते हैं, इसको मिटा लेते हैं जरा से, समझने में आसानी होगा, ठीक है। इसके अलावा वो एरिया देखते हैं जो इन दोनों में कॉमन है, तो ये है, आप एक तो ये देख रहे होंगे, 2 4 5 एंड 2 6 5, ये दो हो गया। ओके, सेम ऐसा है 1 4 6 और 1 5 4, इधर भी मतलब ये हो गया 2, तो 2 + 2 हो गया 4, तो हो गया 29।